सुरभि के बिना ना ये घर सुना सुना हो गया था, इसीलिए तो मंदिर गई थी मन्नत मांगने कि जब सुरभि घर वापस आएगी ना तो सत्यनारायण की पूजा रखूंगी। इसलिए कल सुबह ना सत्यनारायण की पूजा रखी है। और सुरभि, विधि पूर्वक पूजा करने की जिम्मेदारी सारी तेरी। लेकिन सुरभि, तुझे तो नौकरी के लिए उस पेशेंट को देखने जाना था ना। अरे भाव, तो क्या हुआ, नौकरी कौन सी भागी जा रही है? एक बार सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएगी ना, सब अच्छा होगा। क्यों कार्तिक जी? और कार्तिक जी, आप अपनी आई को और अपने घर वालों को सुबह पूजा के लिए लेके आइएगा। जी काका, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, संभाल के जाना। बारह बज गए, ये सुरभि फोन क्यों नहीं कर रही? इतनी देर बाद क्यों फोन किया तुमने? क्या जरूरत थी पूजा की जिम्मेदारी अपने सर पे लेने की? हाँ, लेकिन मना तो आप भी कर सकते थे ना। जब पूनम काकी ने आपसे पूछा तो आपने हाँ क्यों की? और आप तो बाबा से भी बात नहीं कर पाए। बचपन की आदत नहीं है ना तुम्हारी, हमेशा से मेरी गलती होती है। हाँ होती है, हमेशा सारी गलतियां आप ही करते हैं क्योंकि। तो तुम उन्हें सुधारने के लिए। अच्छा सुनो, कल ना आने की गलती मत कर बैठना तुम, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। कल ठीक 4 बजे मिल जाना। अब कैसे आओगी मैं नहीं जानता। लेकिन कार्तिक, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कल ठीक 4 बजे डॉट मिलना है, ओके? आवाज आ रही है ना? हेलो, कार्तिक? हाँ बोलो ना सुरभि, क्या बोल रही हो? आप भी कुछ बोल रहे थे ना? नहीं, वो तुम बोलो, क्या बोल रही थी? नहीं, पहले आप बोलिए ना। ओके, मैं कहता हूँ, तुम तो जानती हो कल का दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है। वो मैं तुमसे सुरभि, वो क्या? बाय बाय सुरभि। सुरभि, किससे बात कर रही थी रात को? मैं नहीं, तो मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। सुरभि, इतना लेट किसका मैसेज आ रहा है? अब वो ये मैसेज ना, ये टेलीमार्केटिंग वालों का है। वो हमेशा मैसेज करते रहते हैं, ये प्लान ले लो, वो प्लान ले लो। ओके, गुड नाइट, सो जा जल्दी। गुड नाइट। क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया? कल 4 बजे मिलो, फिर बताता हूँ। दिल ये दोस्त की ना कोई है दवा, चाहत में
फितरत तो है शर्मो आइए पूजा शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवतः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरती खत्म होते ही जल्दी निकलेंगे। टाइगर पॉइंट पहुंचते पहुंचते भी टाइम लगेगा ना। लेकिन हम टाइगर पॉइंट क्यों जा रहे की रोटी अनिकेत। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। टाइगर पॉइंट पहुंचने में टाइम लग जाएगा, तब तक आपको भूख लग जाएगी, इसलिए खा लीजिए। टाइगर पॉइंट पर आइसक्रीम का पिघल कर शरबत बन गया होगा अब तक तो। जल्दी करो।
टाइगर पॉइंट पहुंचते पहुंचते बेचारा टाइगर भी थक गया होगा, जल्दी करो। अरे सुरभि, तूने अब तो कुछ खाया नहीं ना, चल चल जा लोकर, खाऊंगे क्या तेरी, खा ले। हाँ अब, अरे सुरभि बेटा मेरे साथ चलना, एक काम है, चल। शाबाश, चल चल आ जा मेरे साथ। काकी, वो मैंने ना पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांट दिया है, अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जी, बाबा भी जाऊं? वो तो उनसा लोकर साहब घर तक तरह इंतजार कर रहा होगा, पर वो है कहाँ, अभी तो यही था। कोई बात नहीं बाबा, मैं फोन करती हूँ। हाँ बात कर ले। हुँ? कार्तिक का मैसेज, मैं जा रहा हूँ। समझती क्या आप अपने आप को, 4:06 बज गया है अभी तक कॉल भी नहीं आया। अब बोलो सुरभि। कहाँ हैं आप? घर पे हूँ, अपने कमरे में, और कहाँ हूँ? मैं यहाँ टाइगर पॉइंट आ गई हूँ। क्या अब तुम वहाँ क्या कर रही हो? सारा प्लान तो तुमने चौपट कर दिया, सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ठीक है तो फिर मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है ना, तो मैं काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ ना। अब ऑटो, एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ, हाँ तुम वहां से हिलना मत, ओके मैं आता हूँ। लगता है मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ, वरना ये इंस्पेक्टर हमारे तरफ क्यों आ रहा है? काय चल रहा है इकड़े, ऐसे सुनसान जगह पर अकेले अकेले काय? मैडम काय? वो मैं बोला बोला मैडम काय झाला? तुम यहां क्या कर रही हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं? अरे सर। हेलो सर, मेरा नाम कार्तिक है। ये तुम्हारा ऊपर वाला माला खाली है क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको फोन किया था, बोला कि मुझे उस तरफ मिलना, लेकिन ये मैडम इस तरफ खड़ी है, वो भी सुनसान जगह पे। सर आप ही बताइए, अगर कुछ हो जाता तो? औरतों को 8 साल पहले का गुस्सा हमेशा याद रहता है, लेकिन 8 मिनट पहले बताया रास्ता, इन्हें याद नहीं रहता। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? सॉरी बोलो उनको। अरे जा रहे तो ना। अरे नहीं नहीं सर, सॉरी बोलना पड़ेगा, आपका खाली बिली टाइम वेस्ट कर दिया इसने। क्या है, आप लोगों का प्यार देखकर मुझे अपनी पत्नी शुभांगी की याद आती है। अब यही मेरा मुंह देखते रहोगी क्या? जाओ जाके गाड़ी में बैठो। गुस्सा नहीं करते, मेरी पत्नी भी ऐसी है, उसकी याद आ गई। सर आपकी पत्नी आपको याद कर रही है? दिल से दिन का कनेक्शन लगता है। वो तो लगे हाथ फोन लगा लो। अरे हाँ, बरदल आठून के लिए। हाँ शुभांगी, मैं तो जंगल में घूम रहा था ना। का रे? हाँ वो एडिया झाला है का तू? हाँ कल तूने उस श्रीकांत से माफी मांगी है। मैंने बर्दाश्त किया, फिर सुरभि को इस घर में रखने के लिए तू मेरी बात तक काटने वाला था, मैं फिर भी चुप रही। न तो तूने हदीस पार कर दी,
उस पूजा में पूरा टाइम इस सुरभि को घूरता रहा, देखा मैंने अपनी आंखों से। कैसा लगा है हा? क्या है ए अन्नी? तू भूल गया क्या? उसके बाप की वजह से ही तेरा बाप मरा था अन्नी। उसके बाप की वजह से ही तू लंगड़ा हुआ है। और आज तू उस 2% की लड़की की झूठी प्लेट लेकर खड़ा था अपने हाथ में। काय झालं रे? उन्हें उसके बाप से माफी मांगी आई। इधर तेरे को उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ही ना? तो बहुत नफरत करती है सुरभि से। अगर इन्हें मेरे प्यार के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। मुंह में क्या बड़बड़ा रही? तू तेरे को जो बोलने का मेरे को सब सब बोल। कैसा लगा है सगड़ा? मां मैंने श्रीकांत से माफी इसलिए मांगी ताकि मैं सुरभि से शादी कर सकूं। वापिस बोल, तू क्या बोला? मैं सुरभि से शादी करना चाहता हूं, प्यार करता हूं उससे मैं बहुत। समा सुहाना हो और दिल के दरवाजे खुले और ऐसे में कोई हौले से दबे पांव चला आए आपकी जिंदगी में, ये सदाबहार गीत कुछ इस तरह हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। सुरभि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? वो बात कुछ ऐसी है कि चाय, चना जोर गरम, बूना सिंह कोल्ड ड्रिंक। चना जोर गरम। कुछ नहीं चाहिए, तू जाए यहाँ से। अरे साहब ले लो ना, ये चना कपल लोगों में बहुत ही फेमस है। गले से उतरा नहीं के सीधा दिल की बात खटाक से बाहर, फुल टू गारंटी है साहब। अरे मैडम तो हंस पड़ी, अब तो बनता है साहब। एक बार चाय के साथ खा कर तो देखिए, अगर मजा नहीं आया तो पैसे वापस। ठीक है, जला के चाय लेकर। ठीक है।